कंट्रोल ए करता हूँ, ई फॉर अरेज कर दिया मैंने। इधर देखें, ई एल इलेप्स कमांड। अब देखें यहां पर मैं आपको बताने लगा हूं मिरर के बारे में, मिरर कमांड। कि आपने एक शेप बनाई है, उसकी डुप्लीकेट ही आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं यहां पर मैं आर ई सी रेक्टेंगल लेता हूं, ये मैंने क्लिक किया, एट द रेट एक्स की वैल्यू मैंने देखी, थिकनेस इसकी 2 इंच दे दी और हाइट मैंने दे दी 5 फीट, इसकी 5 फीट। सी फॉर सर्कल लिया मैंने, यहां से यहां तक सर्कल मैंने ड्रा किया, ठीक है, तो सही है। अब मैं चाहता हूँ इसकी, इसका मिरर, इसकी हूबहू यही सेम चीज इसके ऑपोजिट बनाना चाहता हूँ। मिरर के लिए कमांड है एम आई। अब आपने क्या करना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, एंटर किया मैंने, कहा ये इसका जो है ना सेंटर पॉइंट यहाँ से, ये कोऑर्डिनेट से मैंने पकड़ा, क्लिक और ऊपर की तरफ माउस ले गया, और फिर उसके बाद आपने एंटर किया, ठीक है। यानी कि फिर आपने यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कहता है अरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट जिसकी मदद से आप मिरर बनाने का उसको अरेज करना चाहते। मैंने कहा नो, एन ही रहने दिया, और उसके बाद मैं टी आर डबल एंड ट्रिम, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ये आपका एक डोर बन गया, डबल डोर, डबल डोर बन गया आपका, ठीक है, डबल डोर मैंने बना दिया, ठीक है। जिसके 2 आपके वो कहते हैं पल्ले हैं, 5 फुट चौड़ा दरवाजा है, 10 फुट दरवाजा बन गया थोड़ा, तो सही है, ठीक है। थिकनेस इसकी दरवाजे की होती है 2 इंच, मोटाई 2 इंच होती है, 2 इंच मोटाई हमें, सही है। मैं पी फॉर पैन करता हूँ, दोबारा देख ले कैसे मैंने बनाया। मैंने आर ई सी रेक्टेंगल ली, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है, एट द रेट एक्स की वैल्यू दी मैंने 2 इंच, और उसके बाद मैंने हाइट दे दी मैंने कितनी, 5 फीट। सी फॉर सर्कल लिया, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक मैंने ये सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है। डी आई करता हूँ यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 5 फुट ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एम आई मिरर, यहाँ से मैंने क्लिक और ड्रैग किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है यहाँ पे क्लिक करके, और मैंने ऊपर की तरफ माउस ले गया और क्लिक किया और नो कर दिया, और मैं टी आर डबल एंड ट्रिम, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको मैंने खत्म कर, ठीक हो गए आपका, ये 10 फुट का दरवाजा बन गया, 5 5 10 फुट। तो जो हम दरवाजे लगाते हैं हाँ जी, अलग अलग दरवाजे होते हैं, 3 फुट का लगा बनाओ, 4 फुट 2 फुट का लगा बनाओ, जो भी लगाना चाहते हो। इसी तरह बनते हैं, उसमें डिजाइन सेंटर में कोई नहीं, डिजाइन सेंटर में भी हैं लेकिन हम ऐसे बनाएंगे, ये डोर का सिंपल होगा, ठीक हो गया जी।